हाय फ्रेंड, मैं मनोज पांडे आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट पर। और दोस्तों, साप्ताहिक करंट अफेयर और सभी टॉपिक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और भूगोल के कुछ प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है और वो प्रश्न है, भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड निम्नलिखित में से किस रिफाइनरी का कार्य करती है। ऑप्शन आपके चार दिए हुए हैं। पहला है बोंगाईगांव रिफाइनरी, दूसरा है बीना रिफाइनरी, और तीसरा है हल्दिया रिफाइनरी, और चौथा है नुमालीगढ़ रिफाइनरी। तो ऑप्शन नंबर इसका बी, बीना रिफाइनरी सही हो जाएगा। बीना तेल संशोधन कारखाना मध्य प्रदेश के सागर में स्थित है। इस तेल संशोधन की स्थापना वर्ष 2011 में भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड ने की थी। दूसरा प्रश्न वीडियो का, और वो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मक्का प्रमुख भोजन है। ऑप्शन आपके चार दिए हुए हैं। पहला है पश्चिमी यूरोप, दूसरा है दक्षिण यूरोप एशिया, तीसरा है रूस, और चौथा है मध्य अफ्रीका। तो ऑप्शन नंबर डी, मध्य अफ्रीका सही हो जाएगा। और इसके बारे में बता दें आपको, तो मक्का की फसल विश्व के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में उगाई जाती है। इसमें विटामिन ए, सी, ई और कार्बोहाइड्रेट्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यह आवश्यक पोषक तत्वों तथा ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत है। तीसरा प्रश्न है, संकोच नदी किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है। ऑप्शन आपके चार दिए हुए हैं। पहला बिहार और पश्चिम बंगाल, दूसरा है असम और अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है बिहार और झारखंड, चौथा है असम और पश्चिम बंगाल। तो आंसर नंबर इसका बी, असम और अरुणाचल प्रदेश सही हो जाएगा। इसके बारे में बता दें तो संकोच नदी उत्तरी भूटान से निकलती है। असम में यह नदी ब्रह्मपुत्र में सम्मिलित हो जाती है। यह नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा का निर्माण करती है। चौथा प्रश्न है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन चार दिए हुए हैं। पहला उत्तराखंड, दूसरा पंजाब, तीसरा जम्मू कश्मीर, चौथा अरुणाचल प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश सही हो जाएगा। और इसके बारे में बता दें तो पीर पंजाल श्रेणी आंतरिक हिमालय में स्थित है। यह पूर्व पश्चिम की ओर हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर व पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित है। इसकी ऊँचाई 1400 मीटर से 4100 मीटर के बीच में है। पाँचवा प्रश्न है, भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ऑप्शन चार दिए हुए हैं। पहला उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, दूसरा दिया हुआ है सवाना व मरुस्थलीय वन, तीसरा दिया हुआ है भूमध्य रेखीय सदाबहार, और चौथा दिया हुआ है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो ऑप्शन नंबर इसका ए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन सही हो जाएगा। और इसके बारे में बता दें तो भारत में अधिकतर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है। यह वन 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों में चंदन, शीशम, महुआ, साल, टीक व बांस के वृक्ष पाए जाते हैं। छठवां प्रश्न है, बिना ऑक्सीजन आपूर्ति के माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। ऑप्शन चार दिए हुए हैं, टेरेंस बेनन, दूसरा दिया हुआ है डंकल चेसल्स, और तीसरा दिया हुआ है राइन होल्ड मेसनेर, और चौथा दिया हुआ है जीन त्रोइल्ले। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, राइन होल्ड मेसनेर सही हो जाएगा। जर्मनी के राइन होल्ड मेसनेर ने 1978 में पीटर हाबेलेर के साथ बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। यह समुद्र तल से 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली सभी पर्वतों पर चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति हैं। सातवां प्रश्न है, भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में किस अक्षांश के बीच में स्थित है। ऑप्शन आपके चार दिए हुए हैं, 8° 4' से 37° 6' तक, दूसरा है 4° 4' से 39° 6' तक, तीसरा है 8° 7' से लेकर के 36° 6' तक, और चौथा है 7° 4' से लेकर 40° 6' तक। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, 4° 4' से लेकर 37° 6' तक के बीच में स्थित है। तो भारत पूर्ण रूप से भूमध्य रेखा के उत्तर में 8° 4' से लेकर 37° 6' अक्षांश और 68° 7' से लेकर 25' पूर्वी देशांतर पर स्थित है। आठवां नंबर प्रश्न है, काचिन पहाड़ियाँ भारत के किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती हैं। ऑप्शन आपके चार दिए हैं, पहला भूटान, दूसरा म्यांमार, तीसरा नेपाल, चौथा चीन। तो इसका आंसर नंबर बी, म्यांमार सही हो जाएगा। काचिन पहाड़ियाँ म्यांमार के सुदूर उत्तर पूर्वी काचिन राज्य में स्थित है। यह भारत और म्यांमार के बीच सीमा का निर्माण करती हैं। यह पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती हैं। नौवां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन आपके दिए हैं, ब्रह्मपुत्र, दूसरा गंगा, तीसरा यमुना, चौथा गोदावरी। तो आंसर नंबर बी, गंगा सही हो जाएगा। गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
दसवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती? ऑप्शन चार दिए हुआ अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है मणिपुर, तीसरा है नागालैंड, चौथा है असम। तो ऑप्शन नंबर डी असम सही हो जाएगा। भारत की म्यांमार के 1643 किलोमीटर है और म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के साथ लगती है इसकी सीमा। 11 नंबर प्रश्न है, मालवा पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन आपके चार दिए हुए हैं राजस्थान, दूसरा दिया हुआ है महाराष्ट्र, तीसरा दिया हुआ है गुजरात, चौथा दिया हुआ है मध्य प्रदेश। तो इसका ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र सही हो जाएगा। मालवा पठार राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में फैला हुआ है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 81,767 किलो वर्ग किलोमीटर है। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिए।